So page number 84. Students, page number 84. Learning to become well-informed consumers. Well-informed consumers. So when we as consumers become conscious of our rights, yes sir. So which rights we have studied till now? Right to choose, right to know, right to be informed, right to redressal, So when we as consumers become conscious of our rights, और कुछ चीज हो जाता है थोड़ा सा, बस इसको भी वर्टिकल और होता है लेना होता है, और कुछ नहीं, कभी राइट कैप टाइम अप डाउन, तो जैसे करोगे कोई ना कोई इंडिकेशन दे देगा, और कुछ नहीं है। अब मैथ्स में करते हो, रेसिंग वगैरह करते हो, राइट टू लेफ्ट ले जाओ, अप डाउन ले जाओ, इसको स्लैंटिंग ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, कुछ होता है। सो व्हेन वी एज कंज्यूमर्स become conscious of our rights while purchasing various goods and services, we will be able to discriminate and make informed choices. तो जब हमें अपने rights के बारे में पता लग जाता है, हमारे अंदर skills आ जाते हैं कि marketing skill कैसे करना है, ठीक है, तो सारी चीजों को कैसे जानना है, कैसे पहचानना है, तो ये सब जब हमें पता लग जाता है तो हम easily जो है एक अच्छे कंज्यूमर बनकर जो है अपना आर्टिकल खरीद के आते हैं, वरना हम थके जाएंगे अवेयर नहीं। सो दिस कॉल्स फॉर एक्वायरिंग द नॉलेज एंड स्किल टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। सो हाउ डू वी बिकम कॉन्शियस ऑफ आवर राइट्स? लुक एट द पोस्टर्स ऑन द राइट एंड इन द प्रीवियस पेज, व्हाट डू यू थिंक? ठीक है, तो ऊपर बहुत से पोस्टर्स दिए हुए हैं, जैसे आप को ये दिया हुआ है, एनश्योर कंज्यूमर राइट्स टू हेल्दी एनवायरनमेंट एज अगेंस्ट एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, जागो ग्राहक जागो, बहुत से पोस्टर्स जो है वो आते हैं। तो हमारा कौन सा डिपार्टमेंट है जो काम करता है इन पोस्टर्स को लेके, या रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं या अवेयर करते हैं? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये हमारा डिपार्टमेंट है जो सारा काम देखता है। सो द इनएक्टमेंट ऑफ कोबरा, कोबरा क्या है? व्हाट इज कोबरा? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। हां, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, व्हेन इट वाज 1986 came into force 1986. The enactment of COBRA has led to the setting up of separate departments of consumer affairs in central and state governments. So redressal के लिए भी अलग-अलग courts हैं, अलग-अलग forums बने हुए हैं, ठीक है? The posters that you have seen are one example through which government spread information about legal process which people can use. You might also be seeing such advertisements on टेलीविजन, ठीक है। अब आप, हम लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो है जागो ग्राहक जागो, तो महात्मा गांधी जी दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये क्या कर रहे हैं? चरखा काट रहे हैं, ठीक है, खादी बना रहे हैं, सबको क्रिएट कर रहे हैं। हाँ, तो एक कस्टमर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट विजिटर ऑन आवर प्रीमाइसेस, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस,
we are dependent on. Sir, ये हिंदी में क्या लिखा हुआ है सर? आरबीसी में हिंदी में लिखा है. He is. इंग्लिश. अरे ये क्या बोल रहा है? साउथ अफ्रीका के. साउथ अफ्रीका के. He is not an outsider on our business. He is part of it. We are not doing him a favor by serving him. He is doing us a favor by giving us an opportunity to do so. Sir, consumer बटलर को लेटर भी लिख देना सिटीजन सर को. तो कंज्यूमर को जो है कंज्यूमर ही हमें जो है सारी जैसे मार्केट के अंदर जो है उसको बढ़ाने का काम एक कंज्यूमर ही करता है. अगर कंज्यूमर को हम लोग खुश रखेंगे तो वो ज्यादा आउटपुट देगा. तो आईएसआई एंड एमआर जितना देखो अगर हम शॉपिंग पर जितना हम विश्वास जताएंगे. आईएसआई तो सर वो है सर पाकिस्तान पाकिस्तान एंड दैट इज द डिफरेंस. ठीक है ये क्या है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन. अच्छा ठीक है आईएसआई क्या है कि आप देखोगे बहुत से इलेक्ट्रिकल वगैरह सामान के ऊपर आईएसआई का जो है सर्टिफाई करती है गवर्नमेंट कि हां ये प्रोडक्ट जो है उन स्टैंडर्ड. अच्छा ये आईएसआई होता है क्या सर? हां ये तो है एक चीज है सर. हां इंडियन स्टैंडर्ड सर आपको कोई थ्योरी लेक्चर सर तो ये बता आईएसआई सर्टिफाई आईएसआई इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल है आईएसआई. जैसे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के ऊपर ठीक है और वो इलेक्ट्रिकल्स वगैरह ठीक है. While buying many commodities on the cover, you might have seen a logo. तो बहुत सी चीजें जब हम लोग देखते हैं तो उसके ऊपर कई लोगो जो है वो बने रहते हैं ठीक है. बहुत से अलग अलग टाइप के उन्होंने मार्क भी दिए रहते हैं. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई पैकेट हम लोग फसाई के द्वारा सर्टिफाइड होते हैं प्रोडक्ट जो होते हैं कईयों के ऊपर रेड और वो हमारे बॉक्सेस में सर्कल बने हुए. While buying many commodities on the cover, you might have seen a logo with the letters ISI, Eggmark or Hallmark. So these logos or Hallmark जो है आपको किसके मिलता है? बड़ी ज्वेलरी के ऊपर गोल्ड के. So these logos and certification help consumers get assured of quality while purchasing the goods and services. So customer जो है जब ये government के certified logos देखता है किसी भी product जो है बड़े इजीली खरीद लेता है ट्रस्ट करता है ठीक है. सो द ऑर्गेनाइजेशन दैट मॉनिटर एंड इशू दिस सर्टिफिकेट्स अलाउ प्रोड्यूसर टू यूज द लोगोस प्रोवाइडेड दे फॉलो सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स. उन्हीं को सर्टिफाई किया जाता है कि जिन मैन्युफैक्चरर्स ने अपने प्रोडक्ट्स के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया है अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट नॉर्म्स ठीक है. सो दीज ऑर्गेनाइजेशंस develop quality standards for many products. It is not compulsory for all the producers to follow standards. However, for some products that affect to the health and the safety of consumers or of products of mass consumption like LPG cylinders, food colors and additives, cement, packaged drinking water, it is a mandatory on the part of the product to get certified by these organizations. ठीक है कि वो products जो सेफ्टी या हेल्थ इशू क्रिएट कर सकते हैं सर केवल ये जो आईएसआई वगैरह से केवल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पे सकते हैं कोई इंपोर्टेड मतलब क्या मेड इन इंडिया तो क्या है नाम का वो तो नाम का है यदि यहां पे प्रोडक्शन हो रही है ठीक है टाइम लगता है ये इंडिया का प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा कंपोनेंट्स से बात करते हैं तो यहां पे तो ये इंडिया के लिए ठीक है इंडियन. तो अभी आप देखोगे एक कॉर्नर क्या सर पाकिस्तान में बड़ी आईएसआई सर्टिफिकेशन 1986 तक जैसे हमारा आईएसआई वगैरह चलता था तो अभी क्या है बीआईएस और आ गया सर आईएसआई की जगह पे बीआईएस कई जगह के ऊपर आपको
के अंदर अगर आप देखोगे इंस्पेक्टेड ओके का लोगो और उसके नीचे जो ज्वेलरी दिखाई गई है, ठीक है दिखाई गई है ना, और उसको मैग्नीफाई किया जा रहा है लेंस के साथ, तो वहां पे आपको एक ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, उसमें रेड सर्कल है। तो ये BIS है, ब्यूरो इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। अब ये मार्क जो है आपको मिलते हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है सर। फिर वो लड़ाई भी कर रहे सर हमें, क्यों निकाल गवर्नमेंट का है सर ये, तो उसका क्लास मार्क कैसे है। So taking the consumer movement forward, ISI की जगह में BIS। So taking the consumer movement forward, India has been observing। So हमारे यहाँ पे National Consumer Day जो है, National Consumer Day celebrate किया जाता है, कब किया जाता है? 24th of December, ठीक है? It was on this day that the Indian Parliament enacted the Consumer Protection Act in 1980। तो ये वही दिन है जब कोकरा 1996 में आया था। India is one of the countries that have exclusive courts for consumer redressal। तो अलग-अलग जो है हमारी courts बनी हुई है, national, state और district courts हमारी बनी हुई है for the consumer redressal। हाँ जी, हाँ टीवी चला रहे हैं, हाँ कुछ भी हो सकता है अगर ब्रांड वाला नहीं है तो, रिप्लेसमेंट अगर ब्रांड है कुछ तो गारंटी वारंटी है तो फिर कुछ हो सकता है। सो द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया, द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज मेड सम प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स एंड देयर एक्टिविटीज। देयर आर टुडे मोर देन 700 कंज्यूमर ग्रुप्स। कंज्यूमर्स को लेके बहुत से ग्रुप्स काम कर रहे हैं, 700 से ज्यादा हैं। पर एक्टिव कौन से हैं? ग्रुप्स इन द कंट्री ऑफ व्हिच ओनली अबाउट 20 टू 25 आर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर वर्क। ठीक है, 20 और 20 जैसे हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो भी लगभग इतनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और इलेक्शन कितनी लड़ती। तो हाउएवर द कंज्यूमर रिडरेसल प्रोसेसिंग इज बिकमिंग कंपर्सम। अभी हम देखते हैं कि कंज्यूमर रिड्रेसल जो है प्रोसेस जो है वो काफी कुंबसम होता जा रहा है। ठीक है, लॉयर को एंगेज करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, ठीक है उनको अटेंड करना पड़ता है, तो काफी मुश्किल जो है कंज्यूमर के सामने आती है। तो हाउएवर द कंज्यूमर रिड्रेसल प्रोसेस इज बिकमिंग कुंबसम एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। सो मेनी अ टाइम कंज्यूमर्स आर रिक्वायर्ड टू एंगेज लॉयर्स। These cases require time for filling and attending the proceedings, etc. ठीक है, जाके वहाँ पे फॉर्म फिल करो, लॉयर्स को सारी सिचुएशन बताओ। ठीक है, आप एक लेबर करने वाले अगर मेरे जैसे तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, गाड़ी कमाओगे कि वहाँ जाएगा। ठीक है, तो इन मोस्ट केसेस फिर पता नहीं कितना डिले, कितने चक्कर लगे, 4-5 साल लग जाते हैं। इन मोस्ट परचेजेस जब हम जाते कुछ जैसे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, कैश मेमोस आर नॉट इशूड। हम भी नहीं लेते सामान लिए आगे निकलते, तो हमें जो है कैश मेमोस मींस इनवॉइस बिल जो है वो हमें ऑनलाइन करके हेंस एविडेंस इज नॉट इजी टू गैदर। और एक बार अगर हम प्रोडक्ट ले लें, इनवॉइस ना ले, दुकानदार को पहचानता नहीं है या उस बात में पैक करके काट के नहीं देता। सो मोर ओवर मोस्ट परचेजेस इन द मार्केट आर स्मॉल रिटेल सेल। The existing laws also are not very clear on the issue of compensation to consumers injured by defective products. After more than 25 years of the enactment of the COPRA, consumer awareness in India is spreading, but slowly. ठीक है, क्योंकि हम लोग जो है ज्यादातर ट्रस्ट करते हैं, हम जिसके पास भी जाते हैं तो ज्यादातर हम लोग we are moving with the wrong person. हमारी जानकारी होती है, विश्वास करते चीजों को। After more than 25 years of enactment of COPRA, consumer awareness in India is spreading but slowly. So besides, this is the enforcement of laws that protect workers, especially in the unorganized sectors, is weak. So similarly, rules and regulations for working of markets are often not allowed. So nevertheless, there is a scope for consumer to realize their role and
इम्पोर्ट है। तो आपको खुद अपनी ड्यूटीज को पहचानना है, अपने रोल को पहचानना है। सो इट इज ऑफन सेड दैट कंज्यूमर मूवमेंट्स कैन बी इफेक्टिव ओनली विद द कंज्यूमर्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। इट रिक्वायर्स अ वॉलंटरी एफर्ट एंड स्ट्रगल इन्वॉल्विंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वन एंड ऑल। यस, सो here we have completed our chapter, students. So one chapter from political science is remaining, I think, outcomes of democracy. So after vacations we will be completing. हाँ या कल, हाँ tomorrow try to bring your 12 to 16 we are having 2 days. ठीक है, तो विल स्टार्ट टुमारो द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में पढ़ा है भाई। Students, first try to complete your assignments, the question and answers which are given to you. ठीक है, done in the Google Classroom. Consumer rights के question answers नहीं है. You have to make the project work. ठीक है, दो और topic हैं, social issues और sustainable development जो है. ठीक है, जिसके ऊपर आपको अच्छा लगता है आप बना सकते हैं. ठीक है, 10 टू 15 शीट्स अच्छा सा इल्यूस्ट्रेशन किया हो, और पहला पेज जो है वो स्कूल का लोगो होना चाहिए, स्कूल का नाम होना चाहिए। ठीक है, ईयर ईयर क्लास सेक्शन नेम वगैरह किसको सबमिट करवा रहे हो तो वो एक डिजाइन कर लेना है। ठीक है, सो टुमारो स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट विद द सिविक्स। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस द लास्ट चैप्टर इज रिमेनिंग आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है कि जो हमने आज तक कभी पढ़ा है कि डेमोक्रेसी के फायदे क्या हैं। ठीक है, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर जॉइनिंग। तो एक जना जो है स्क्रीनशॉट ले लो, नवज्योति से है। यस सर, बेटा स्क्रीनशॉट लेके सर ले लिए सर।